बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम हम्द की तस्बीह है उस जात के लिए जिसने हर शय को अदद में गिन रखा है, और दरूदो सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर जो हर शय के अदद को जानते हैं। मैं तालिबे इल्म हर्फ व अदद का गुलफाम अली हुसैनी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं फैज़ हुसैनी टीवी। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सात मुहर्रम और हुसैन अलैहिस्सलाम। सात मुहर्रम के जब आप अदद निकालेंगे 877, ये जो अमल है इसकी निस्बत है यतीम हसन से, मीर कासम से। ये वो शहजादा है, जीन पे है तो कासिम है, जीन से जमीन पे आया तकसीम हो गया। अपने नाना के दीन की खातिर जो टुकड़े टुकड़े हो जाए, जो कासम तकसीम हो जाए, ये वो हसन का लाल है। ऐसी मजलिस का इंतखाब करें जहां पर जिक्र कासम हो, फजाइल मसाइब जनाब कासम के हो, और मेहंदी निकले जनाब कासम की, वहां से थोड़ी सी मेहंदी ले ले। ऐसे बच्चे बच्चियां जिनकी शादी में सख्त तरीन बंदिश है, जादू की बंदिश है, रुकावट है, आप मौला हसन के इस लाल का वास्ता देकर दुआ करें, यकीनन आपकी दुआ मुस्तजाब होगी। आपने 139 मरतबा उस मेहंदी पे पढ़ना है, सीने पे हाथ रखते हुए या हुसैन या हुसैन या हुसैन, आपने 139 मरतबा या हुसैन पढ़ना है। मकसद अपना जेहन में रखना है, अल्लाह पाक को मौला हुसैन का, मौला हुसैन के इस भतीजे यतीम कासम का वास्ता देकर दुआ करनी, और उस मेहंदी को उस बच्चे या बच्ची के हाथ पे रख देनी है। मुहर्रम सफर के बाद मुबारक महीना रबीउल अव्वल है, उसमें बेहतरीन रिश्ता आएगा, यकीनन बेहतरीन रिश्ता आएगा। इस अमल को आप 11 दिन भी कर सकते हैं। मैंने हर बात की वजाहत की है, जरूरत महसूस करें तो रابطہ करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह।